जोधपुर के तिवरी में भी ग्रामीण कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ डटकर खड़े नजर आए। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया और ये सफल होता नजर आया। इसी को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व भर में कोहराम मचा हुआ है, उसी को लेकर यदि बात करें राजस्थान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के लिए अपील की थी जनता कर्फ्यू के लिए, उसमें जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही है। यदि बात करें तिवरी की, तो इस वक्त हम तिवरी के मुख्य बस स्टैंड के अंदर खड़े हैं, जहाँ का नज़ारा मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाए कि किस प्रकार से जो यहाँ के बाजार है वो पूर्णतया बंद नजर आ रहे हैं। यही तिवरी का वो मुख्य बस स्टैंड है जहाँ दिन भर भीड़ रहती है और आसपास के गाँवों की जो बसें हैं वो यहाँ से सुचारू रूप से संचालित होती है। लेकिन यदि आज की बात करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, एक भी यात्री या किसी भी प्रकार की बस यहां नजर नहीं आ रही है, जिससे अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो जनता है वो स्पष्ट तौर से इस और अवेयर नजर आ रही है और कोरोना वायरस को लेके जो जनता भी है वो स्पष्ट तौर से अवेयर नजर आ रही है। यदि बात करें पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जो बाजार है उसके अंदर कहीं ना कहीं साफ तौर पर जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है और जनता भी जनता कर्फ्यू का स्वागत करते हुए नजर आ रही है। वहीं यदि बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कल जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, आज के माहौल को देखते हुए स्पष्ट रूप से ये जाया होता है कि यहाँ की भी जो जनता है वो पूर्ण रूप से तैयार है, कदम से कदम मिलाकर सरकार के कदमों की सराहना कर रही है और कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए स्पष्ट तौर से सफल होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन मनफूल सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, A1 TV, तिवरी, जोधपुर।